कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। 24 नवंबर को राहुल गांधी की इस यात्रा का 78वां दिन है। इस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं। इस यात्रा से कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इन दिनों इस यात्रा की एक फोटो की खासी चर्चा है। एक दिन पहले आई इस फोटो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा के साथ नजर आ रहे हैं। जब से फोटो सामने आई है, खासी सुर्खियां बटोर रही है। फोटो 20 से 21 नवंबर की भारत जोड़ो यात्रा की है। खुद दिव्या ने 23 नवंबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर इसे शेयर भी किया था। एक पार्टी विशेष के समर्थकों ने कांग्रेस विधायक की इस फोटो पर कई अजीबोगरीब टिप्पणियां की हैं। हरियाणा बीजेपी के नेता अरुण यादव ने इसे शेयर करते हुए लोगों से कैप्शन तक मांगे। कॉमेंट में लोगों ने भी उलझुलूल कैप्शन दिए। मामला खासा चला, बात बढ़ी तो इस फोटो पर खुद दिव्या ने भी रिएक्शन दिया है। पहले आप भी ये वायरल फोटो देखिए। दिव्या ने अपनी इस फोटो पर कैप्शंस दिए हैं और साथ ही अरुण यादव को खरी खोटी भी सुनाई है। दिव्या ने अपने फोटो पर 7 कैप्शन दिए हैं। अपने पहले दो कैप्शन में दिव्या ने लिखा, बड़े भाई, संरक्षक, अभिभावक, करुणा और मानवीय गुणों से परिपूर्ण हमारे नेता राहुल गांधी जी। देखें दिव्या के ट्वीट। तीसरे कैप्शन में दिव्या ने लिखा कि राहुल गांधी जी अजय और अपराजय हैं ऐसी कुंठित सोच व ताकतों से। वहीं चौथे कैप्शन में दिव्या ने लिखा, ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है, भाजपा की असुरक्षा साफ झलक रही है। इसके बाद के कैप्शन में दिव्या ने अरुण को अच्छे से सुना दिया। दिव्या ने लिखा, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर में भी बेटी, बीवी और माँ होगी। आखिर के दो कैप्शन में दिव्या ने लिखा, पितृहीन शिशु का संरक्षक और चरित्र हनन करना बंद करो, राजनीतिक तौर पर हमलों के लिए कोई दूसरा अच्छा तरीका चुनो। दिव्या मदेरणा कांग्रेस विधायक हैं। वो ओसियां जोधपुर से चुनकर राजस्थान विधानसभा पहुंची हैं। वे दिवंगत कांग्रेसी नेता और मंत्री महिपाल मदेरणा की बेटी हैं। महिपाल मदेरणा का नाम राजस्थान के भवरी देवी हत्याकांड में भी सामने आया था। इस कांड ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। साल 2021 में महिपाल मदेरणा का निधन हो चुका है। शुक्रिया।